गुड मॉर्निंग गाइज, आई एम प्रांजेश रावत, आई एम बैक विद माय अनदर व्लॉग। व्लॉग में आप सभी का वापस स्वागत है। मैं आज 15 अगस्त, सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस। ओ दरवाजा कैसे बंद, मैं काला हो गया। वो तो आज है 15 अगस्त, हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। मुझे लगता है आप सभी सेलिब्रेट कर रहे होंगे बढ़िया तरीके से, पतंग वतंग उड़ा के। मेरे यहाँ तो पता नहीं, जहाँ मैं गाँव में अपने घूमने आया हूँ यहाँ तो पतंग उड़ती नहीं। यूपी है, यूपी में मैं अपने मामा के आया हूँ, तो यहाँ तो मेरे को अभी तक कोई दिखी नहीं। दिल्ली में होता तो भाई माँ कसम पतंग होगी तभी तक बारात लग जाती। एंड दिल्ली की मुझे कुछ क्लिप्स मिली तो मैं दिखाऊंगा आपको, अगर किसी के पास दिल्ली की क्लिप्स हैं तो भेजना मुझे। पर एक नंबर जो भी है, अभी नहा धो के फटाफट रेडी होते हैं। मैंने सुबह 7 बजे मोदी जी का भाषण भी सुना था, 7 या 8 बजे, जितने बजे भी आए थे, मेरे को ध्यान नहीं है, पर मैंने सुना ज़रूर था वो। तो अभी बज रहे हैं दोपहर के 12:30, नहाते हैं, रेडी होते हैं, एंड फिर 2-3 जगह विजिट करेंगे ताकि देख सके कहाँ पे पतंग उड़ रहे, ताकि थोड़े पेचे वेचे से लड़ जाए। पतंग में लेके आया, अभी दिखाऊंगा आपको कितनी पतंगें लेके आया, क्या लेके आया, और यहीं से ली मैंने। तो अभी चलते हैं, अपन इज रेडी। बिल्कुल शानदार तरीके से हम लोग हो चुके हैं तैयार, और एक अजीब सा मौसम, कैमरा शायद बट देन कपड़े देख लो, मैंने एकदम सेक्सी पहने हुए, और ये सारे भी ट्रेंड्स से ही लाया था मैं। ट्रेंड्स वाला व्लॉग ना बहुत जल्दी आएगा, ट्रेंड्स वाला व्लॉग के ना अच्छी खासी सेल चल रही है, तो उसका वाला व्लॉग मैं जल्दी लाऊंगा आपको, क्योंकि वो ना यार घर जाके आ पाया, क्योंकि आपको पता है वो मेरे पीसी में सेव्ड है वो व्लॉग, और वहाँ जाके एडिट करना पड़ेगा। बाकी तो होप फॉर द बेस्ट। तो भैया ये अपना पतंग वाला स्टॉक रखा हुआ, यहाँ ज़्यादा पतंग उड़ती नहीं इसलिए मैंने इतनी सी ला के रखी है, वरना मैं जब दिल्ली में होता हूँ फिर तो बहुत सारी पतंगें रखी हुई होती हैं। ये अपनी सद्दी, और ये अपना मंजा, और ये प्लास्टिक का जो चाइनीज़ मंजा नहीं है, ये आगरा में बनने लग गए हैं। और सबसे बड़ी बात इसकी, रुको मैं इसकी कहानी तो मैं बताता हूँ, पतंग उड़ाने से पहले बताऊँगा, बस बताऊँगा। बट ये चाइनीज़ नहीं, आगरा का मंजा है, देखो कहीं भी चाइनीज़ नहीं लिखा मिलेगा, कोबरा नाम है, कहीं भी चाइनीज़ नहीं लिखा, और चाइनीज़ मंजे पे चाइनीज़ लिखा हुआ होता है। बट तुम्हें इसकी कहानी ढंग से बताऊँगा। मैं पूरा, जैसे जहाँ पे मैं रहता हूँ ना, मैं पूरा देख के आ गया, पूरे में एक पतंग नहीं, मतलब एक आधी कोई उड़ा रहा तो उड़ा रहा है, हवा है नहीं बिल्कुल भी। और ये रीज़न नहीं है कि हवा नहीं है इसलिए लोग पतंग नहीं उड़ा रहे, बट रीज़न ये है कि यहाँ उड़ती नहीं है पतंग, पता नहीं क्यों। यहाँ मकर संक्रांति को उड़ती है, एंड डिफरेंट अदर फेस्टिवल्स पर पतंग उड़ती है, बट 15 अगस्त पर नहीं उड़ती। और ये मेरे को थोड़ा सा वियर्ड लग रहा है, क्योंकि मैंने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया। मैंने तो जब भी पतंग उड़ाई है 15 अगस्त को उड़ाई है, 1-1.5 महीने से पहले उड़ाना शुरू कर देते थे, और 15 अगस्त को तो दबा के उड़ा देते। और दिल्ली की फुटेजेस मेरे पास जो आ रही है, जो मेरे दोस्त इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाल रहे हैं, पब्लिक इंस्टाग्राम पे स्टोरीज डाल रही है, बड़ी ज़बरदस्त, बहुत सारे लोग पतंग उड़ा रहे हैं और मज़ा भी आ रहा है उनको, बट मैं पागलों की तरफ फंस गया यहाँ पे। सो टुडे इज 16 अगस्त, और आज बर्थडे है मेरा, बट मैं अपने दोस्तों से दूर, अपनी फैमिली के साथ हूँ, और दोस्तों के तो मैसेज भरे पड़े हैं यार, पर मेरा फ़ोन है ना बिल्कुल टूटा पड़ा है, तो मैं किसी का रिप्लाई नहीं कर पा रहा, बिल्कुल गर्म हो चुका है, बिल्कुल हीट मार रहा है फ़ोन इस वक्त। तो कोई नहीं, दोस्तों को तो मना लिया जाएगा, बट ठीक है, फैमिली के साथ मनाने का अलग मज़ा है, बट दोस्तों को बहुत ज़्यादा मिस कर रहा हूँ मैं अपने इस बर्थडे पर। जब भी मेरा बर्थडे होता है ना, तो मेरे दोस्त मेरे साथ होते हैं, फैमिली तो है ही, फैमिली तो हमेशा ही साथ होती है, तो अकेला हूँ अभी तो फिलहाल, बट फील आ रही है। सो आज है बर्थडे वाली शाम, और सेलिब्रेट करने का टाइम थोड़ा सा सुबह, तो रात में मैंने देखा था, कुछ बोल रहा था मैं कि अभी पिछली क्लिप में कि अच्छा नहीं लग रहा थोड़ा सा, कि दोस्तों के साथ नहीं हूँ एंड थोड़ा अजीब सा लग रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है, तब ठीक है। 18वां बर्थडे मैंने अपने दोस्तों के साथ मनाया था, क्लिप्स तो नहीं दिखाऊंगा मैं आपको, क्लिप्स तो बहुत गंदी हैं उसकी, बट देन थोड़ी इस बार भी मैं मना के आया था। 10 तारीख को मैं बर्थडे, 10 अगस्त को अपना बर्थडे अपने फ्रेंड्स के साथ मना के ही आया था, बट देन अभी क्या है कि अजीब है थोड़ा सा, मतलब अजीब फंक्शन है, आई डोंट नो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, आई डोंट नो, कुछ भी नहीं पता मेरे को, बट चलो ठीक है, कभी कभी फैमिली के साथ भी। सो भैया घर में बहुत सारे लोग इकट्ठा हो चुके हैं, और पता नहीं बहुत सारे लोग ही हैं, तो
अभी मैं मुँह हाथ धो लेता हूँ जाके। कपड़े मैंने एज़ यूजल अच्छे ही पहन रखे हैं, नए कपड़े एकदम नए नए ट्रेंड से लेके आया था मैं। अगर आप लोगों को नहीं पता हो तो ट्रेंड्स में सेल चल रही है 50% ऑफ ट्रेंड्स में, रिलायंस ट्रेंड्स 50% ऑफ, उसका व्लॉग आएगा, वो दिल्ली जाके आएगा। अभी मैं यहाँ पे हूँ ना तो यहाँ पे आ नहीं सकता क्योंकि वो दिल्ली में डाटा सेव्ड है, तो उसका व्लॉग मैं डालूँगा, बट ये वाला व्लॉग तो आप देख ही रहे हो। तो चलो ना मुँह हाथ धोऊँ थोड़ा और आगे कंटिन्यू करते हैं। और हाँ, इन लोगों ने काफ़ी सारी तैयारी भी कर रखी है, बहुत सारी। अपने जन्मदिन का पहला केक खाते हैं, इतना सारा तो तुझे क्या बहुत आज के दिन तो मैं अपनी मर्जी का खा सकता हूँ, खा सकता हूँ। तो भैया आज अपना फेवरेट खाना बनाएं, छोले भटूरे खीर और प्याज कॉम्प्लीमेंट्री, वाह वाह आनंद आनंद वो खाए जाए। सो अपना बर्थडे तो कुछ ऐसा ही गया, नॉर्मल अच्छा दोनों तरीके से रेट करूँगा। और बहुत सारी विशेज आई, अच्छा लगा आप सभी के विशेज़ पढ़ के, बहुत सारे मैसेजेस थे, अबव 500 मैसेजेस थे मेरे को, सबके रिप्लाई नहीं कर पाया मैं, बट क्या कर सकते हैं, 500 मैसेज का रिप्लाई करना है आसान बात थोड़ी ना है, बट अच्छा लगा। बर्थडे मना के फैमिली के साथ अलग एक्सपीरियंस होता है, दोस्तों के साथ अलग एक्सपीरियंस होता है। और अगर लास्ट तक देख लियो ना तो वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो अच्छा सा। फॉर दी बेस्ट, अब हम 19 साल के हो चुके हैं और 20वें में लग गए हैं। इसी के साथ टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, बी सेफ, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। Taking control, yeah.